नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे BSTC 2020 राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, मुणोद नैणसी, नागरी दास या श्यामल दास? सही आंसर बताना है इसका आपको। इसका सही आंसर होगा मुणोद नैणसी। आगे बढ़ते हैं, जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित हैं? उदयपुर, कोटा, जैसलमेर या जयपुर? सही आंसर क्या होगा इसका? जाड़शाही सिक्के जयपुर रियासत से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? ये दो सभ्यता हैं, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहाड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर या आहाड़? कौन सी सभ्यता से? सही आंसर बताना है इसका बागोर। बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा? राजा बारमल, मान सिंह, जलाल खां या भगवंत दास? अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आया होगा कि मान सिंह, क्योंकि ये सरसा में रहता है, लेकिन इसका सही आंसर मान सिंह नहीं, जलाल खान है। कौन है? जलाल खान। फर्स्ट नंबर पर जलाल खान को भेजा था और सेकेंड नंबर पर मान सिंह को भेजा था। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? इसकी चर्चा इतिहास में होती रहती है, मारवाड़, आमेर, बीकानेर या मेवाड़? इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्णा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, न कि तीनों ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं, अपना सिर काट कर देने वाली आड़ा रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर, रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी या सरोज कंवर? इसका सही आंसर क्या होगा? सहल कंवर। आड़ा रानी का सही नाम था सहल कंवर। आगे बढ़ते हैं, हशमत वाला राजा किस शासक को कहते हैं? हशमत वाला राजा किस शासक का उपनाम है? महाराणा प्रताप, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या शेरशाह सूरी? सही आंसर क्या होगा इसका? राव मालदेव। जबकि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उंजन नामक घोड़ा किस शासक का था? मेवाड़ के राणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, बूंदी के उमेद सिंह या मारवाड़ के मालदेव? किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। आगे बढ़ते हैं, बारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बारा कोटड़ी किस राज्य का उपनाम था? आमेर, भीनमाल, सिरोही या कोटा? किसका उपनाम था? आमेर का। आमेर का उपनाम बार कोटड़ी था। आगे बढ़ते हैं, डिग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह या महाराजा मान सिंह? किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? एक शब्द है ओलंदी, इस पर गौर करना है, एग्जाम में पूछते रहते हैं इसके बारे में। एक देशी खेल है, राजस्थान का लोकगीत है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहते हैं ओलंदी या विवाह का एक प्रकार है। सही आंसर क्या होगा? जो नववधु के साथ लड़की या स्त्री जाती है उसको ओलंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है, कौन से त्यौहार पर की जाती है? दशहरा पर, होली पर, दीपावली पर या बुद्ध पूर्णिमा पर? खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? दशहरा पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं,
गधों का मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या धौलपुर में? गधों का मेला कहाँ पड़ता है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा साकसू जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? जो डोला मारू की रचना है उसके रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, मुणुत न्यासी, बांकीदास या कोई नहीं? सही आंसर बताना है इसका आपको। डोला मारूरा दोहा इसके रचयिता कवि कल्लोल हैं। रचनाओं और पुस्तकों के बारे में अक्सर BSTCA में पूछते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जागृति ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? राजस्थान भाषा अकादमी बीकानेर से, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से या राज ललित कला अकादमी जयपुर से? सही आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर से जागृति ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेरा पंथ संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? नोटिस कीजिए इस शब्द पर, तेरा पंथ जैन धर्म, वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म? सही आंसर बताना है इसको आपको। तेरा पंथ जैन धर्म से संबंधित है, नोटिस करना आपको। जबकि तेरह ताली ये हिंदू धर्म से संबंधित है, इसका संबंध बाबा रामदेव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तेजाजी, बाबा रामदेव, मलिनाथ या देवनारायण जी? सही आंसर बताना है आपको इसका। रामसा पीर के नाम से बाबा रामदेव प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। लांगूरिया गीत का संबंध कौन सी देवी से है? शीला देवी, करणी माता, केला देवी या रानी सती? सही आंसर बताना है इसका आपको। लांगूरिया गीत का संबंध केला देवी जो कि करौली में जिसका मंदिर से है। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शांकरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, तेहरताली? किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया से। आज के लिए इतना ही। डेली सुबह 8 बजे राजस्थान BSTC के वीडियो अपलोड होंगे। अगर आप पहली बार हैं YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।